हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 24 सितंबर। आइए देखते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आइए देखते हैं। फ्रंट पेज पर है मोबाइल इंटरनेट बैक इन मणिपुर। देखिए, जब से मणिपुर में वायलेंस स्प्रेड हुआ था, 3 मई 2023 से, इसके बाद काफ़ी हिंसा फैल गई थी यहाँ पर। हिंसा को देखते हुए यहाँ पर इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया था ताकि और ज़्यादा हिंसा ना फैल जाए, हिंसा भड़क ना जाए। 140 दिन हो गए थे इंटरनेट को बंद किए हुए। अब गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है कि इंटरनेट सर्विस को रिज्यूम कर लिया जाए, क्योंकि वायलेंस में काफ़ी कमी आ गई है और स्थिति भी काफ़ी नॉर्मल हो गई है। J&K के बाद देश का ये सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन था। J&K में 552 डेज के लिए शटडाउन किया गया था आर्टिकल 370 के अबोलिशन के बाद। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था कब? 2019 में। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पे मणिपुर में हिंसा क्यों फैल गई थी? हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हिंसा फैल गई थी। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि मैती ट्राइब को, मणिपुर में दो ही तो ट्राइब ज़्यादातर डोमिनेंट हैं, तीन ट्राइब हैं वैसे, पहले हैं मैती ट्राइब, ये 53% हैं पॉपुलेशन का। इसके बाद नागा और दूसरे ट्राइब्स हैं यहाँ पे जो कंस्टिट्यूट करते हैं 24%। फिर बाकी बचते हैं कौन? बाकी बचते हैं कुकी जोमी। ठीक है, ये कंस्टिट्यूट करते हैं लगभग 16%। ठीक है, तो मैती और कुकी के बीच अचानक हिंसा फैल गई थी, वायलेंस फैल गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मैती के डिमांड पर, मैती ST कैटेगरी का स्टेटस मांग रही है मैती कम्युनिटी, तो इसी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, स्टेट के हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दे दिया था कि आप सेंटर को रिकमेंडेशन भेजिए कि मैती कम्युनिटी को ST का दर्जा दिया जाए, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। तो इसी के बाद कुकी ने इसका विरोध किया और हिंसा फैलने लगी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, इसके बाद ऐसी हिंसा फैली कि पूरी दुनिया क्रिटिसाइज करने लगी थी। इंडियन गवर्नमेंट ने इस इशू को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया, तो इसका आरोप लगने लगे थे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़पेपर। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट समझ गए, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है US सेज इट वांट्स टू सी अकाउंटेबिलिटी इन निज्जर्स डेथ। ठीक है, निज्जर के डेथ का अकाउंटेबिलिटी ये देखना चाहते हैं US। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, ठीक है, इसके तरफ से स्टेटमेंट आया और इसने कहा कि हम बहुत चिंतित हैं कि कनाडा ने इंडिया के ऊपर हरप्रीत सिंह निज्जर की किलिंग का आरोप लगाया है। इंडियन गवर्नमेंट पर सीधा सीधे हमला किया है कनाडा ने। तो एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि हम बहुत कंसर्न्ड हैं और हम कनाडा को कोऑपरेट भी कर रहे हैं। ठीक है, और इंडिया से भी चाहेंगे कि इंडिया भी कनाडा को कोऑपरेट करे इन्वेस्टिगेशन में। कनाडियन सिक्योरिटी एजेंसी ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है कि निज्जर को किसने मारा। ठीक है, और कल ही न्यूज़ में आ रहा था कि फाइव एज की बात हो रही थी, फाइव एज पार्टनर्स के शेयर्ड इंटेलिजेंस के माध्यम से ये पता चला, मतलब फाइव एज के शेयर्ड इंटेलिजेंस ने ये सजेस्ट किया कनाडा को कि निज्जर को इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज ने मारा है। और कनाडा की विदेश मंत्री एम जोली, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि इसमें रो का हाथ है, इंडिया के रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, इसका हाथ है। और इसीलिए इंडिया के एक डिप्लोमेट पवन कुमार राय, उसको निकाल भी दिया है। इंडिया ने भी टिट फॉर टैट एक्शन लेते हुए कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो अभी काफ़ी टेंशन चल रही है।
तो एंटनी ब्लिंकन ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया से कि आप इंडिया को इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें, हम भी सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, फाइव एज पार्टनर्स में कौन कौन आते हैं? ये इंटेलिजेंस ग्रुप है पांच देशों का, इसमें आते हैं कनाडा, ठीक है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये फाइव कंट्रीज हो गए। तो ये इंटेलिजेंस शेयर करते रहते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। स्किल डेवलपमेंट केस, टीडीपी चीफ, टीडीपी आप जानते हैं तेलुगु देशम पार्टी, मूव्स सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग हाई कोर्ट ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू क्वैश एफआईआर अगेंस्ट हिम, ठीक है। चंद्रबाबू नायडू जो सीएम हैं आंध्र प्रदेश के, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली जिसमें रिक्वेस्ट किया था कि उनके ऊपर जो एफआईआर केस किया गया है स्किल डेवलपमेंट स्कैम का आरोप लगाया गया है चंद्रबाबू नायडू के ऊपर और एफआईआर दर्ज किया गया है, तो उस एफआईआर को क्वैश करे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया है चंद्रबाबू नायडू ने और कहा कि ये ओपोजिशन इसलिए कर रहा है क्योंकि ओपोजिशन बदला लेने के लिए चंद्रबाबू नायडू के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है, ये चंद्रबाबू नायडू का कहना है। ओपोजिशन ने 21 महीने पहले एफआईआर दर्ज किया था चंद्रबाबू नायडू के स्किल डेवलपमेंट स्कैम के खिलाफ, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आगे चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कांग्रेस अर्क एट सीपीआई लॉयर्स सजेशन टू नॉट रिपीट राहुल गांधी फ्रॉम वायनाड। सीपीआई के एमपी हैं रमेश कुमार, ठीक है। तो इसने इंडिया INDIA पॉलिटिकल पार्टी, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नया बना है इंडिया अलायंस, तो इसकी बैठक में रमेश कुमार ने ये सुझाव दिया कि राहुल गांधी को दोबारा वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने की अनुमति नहीं दी जाए क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ये इंडिया अलायंस की कमजोरी का कारण बन जाएगा। रमेश कुमार कौन है? ये सीपीआई के एमपी हैं, ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, इस सुझाव को नहीं माना और कहा कि राहुल गांधी ने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है उसके चलते लोकसभा में सीट की टैली ऊपर चली गई है, 2014 में जहां सिर्फ 8 थी वहीं 2019 के चुनाव में 16 हो गई है, ठीक है। तो राहुल गांधी के चलते ये अपलिफ्टमेंट हुआ है, ये कहना है कांग्रेस का। फिर कांग्रेस ने कहा कि केरला यूनिट भी यही चाहती है कि राहुल गांधी को ही फील्ड किया जाए वायनाड से, ठीक है। और ऊपर से राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा भी की है, तो राहुल गांधी के इस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए हम राहुल गांधी को वहीं से फील्ड करेंगे, वायनाड से ही फील्ड करेंगे। राहुल गांधी वायनाड से एमपी थे लेकिन मार्च में सूरत कोर्ट ने इनकी मेंबरशिप एज एमपी रद्द कर दी है और सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी पर दिए गए डेरोगेटरी बयान का हवाला दिया है, ठीक है। चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि सभी मोदी चोर हैं, नीरव मोदी हों चाहे ललित मोदी हों चाहे नरेंद्र मोदी हों, तो डेफिमेशन केस इसके ऊपर चल रहा था और इनको 2 साल की सज़ा भी हुई थी, सूरत कोर्ट के द्वारा 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी। और जब 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है तो मेंबर एज एन एमपी ये ख़त्म हो जाती है, सदस्यता ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है PSU इंजीनियर्स हु बिल्ट इक्विपमेंट फॉर इसरो अवेट सैलरी। देखिए 3000 ऐसे एम्प्लॉयज हैं HEC के जिन्होंने इसरो के चंद्रयान मिशन में कई इक्विपमेंट्स तैयार किए थे, इनको अभी तक सैलरी नहीं दी गई है और अपनी लिविंग को इंश्योर करने के लिए या सर्वाइवल के लिए ये रास्ते पर आ गए हैं और फूड गारमेंट आदि सामान रोड पर आकर के बेच रहे हैं, तो काफ़ी बुरी स्थिति है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है NIA कन्फिस्केट्स प्रॉपर्टीज ऑफ खालिस्तानी टेररिस्ट पानून। तो पानून
इसका पूरा नाम है गुरप्रीत पानून, ठीक है। तो NIA ने इसकी प्रॉपर्टीज़ जो चंडीगढ़ और अमृतसर में बेस्ड थी को कन्फिस्केट कर लिया है, जब्त कर लिया, सीज कर लिया है, ठीक है। गुरप्रीत पानून अभी कनाडा में रहता है और ये SFJ का हैंडलर है। SFJ मतलब सिख फॉर जस्टिस, ये US के द्वारा प्रोस्क्राइब्ड गुट है, ठीक है। US बेस्ड, ये US में ये SFJ ऑपरेटिव है, लेकिन ये कनाडा में रहता है गुरप्रीत पानून और SFJ को चलाता है। इसको 2020 में इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित किया गया था और ये यूथ को टेररिस्ट बनने के लिए उकसाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, IPSA मीट सीक्स टू एम्पलीफाई द ग्लोबल साउथ वॉइस। तो एस जयशंकर जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये गए हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। न्यूयॉर्क क्यों गए हैं? क्योंकि उंगा की यहाँ पे 78th सेशन यहाँ पे चल रहा है। उंगा मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। इस सेशन को अटेंड करने के लिए गए हैं, लेकिन साइड लाइन में ही ये IPSA ग्रुपिंग कंट्रीज़ के मेंबर से भी मिले, ठीक है। IPSA ग्रुपिंग में कौन कौन आते हैं? इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। IPSA यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से मिले और कई बातें हुई। ग्लोबल साउथ को बढ़ावा देने की बात हुई, साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा देने की बात हुई, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हुई और फिर मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में ही ये एक स्टैंड अलोन मीटिंग करेंगे, मतलब फॉरेन मिनिस्टर से स्टैंड अलोन मीटिंग करेंगे। ये तो अभी तो साइडलाइन में मीटिंग कर रहे हैं ना, जब उंगा का सेशन चल रहा है, तो ये स्टैंड अलोन मीटिंग करेंगे 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में। और इस मीटिंग के दौरान जयशंकर ने अपना कमिटमेंट बताया कि हम UN चार्टर को फॉलो कर रहे हैं, उसके प्रति हम कमिटेड हैं, ठीक है। फिर कहा कि हम एक सॉवरेंटी हैं और हम दूसरे कंट्रीज़ के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। हम रूल ऑफ लॉ के ऊपर विश्वास करते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस को बढ़ावा देते हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने कही। IPSA ग्रुपिंग ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अमेंडमेंट की बात भी कही, मतलब प्रपोजल दिया कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल UNSC में सिर्फ 5 कंट्रीज़ मेंबर हैं, मतलब परमानेंट मेंबर हैं। वैसे 15 कंट्रीज़ हैं, 10 तो नॉन परमानेंट हैं, लेकिन 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनको P5 बोला जाता है, ठीक है। रसिया, चाइना, अमेरिका, UK, फ्रांस। तो IPSA ग्रुप ने ये डिमांड की कि इसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए और इंडिया जैसे बड़ी इकोनॉमी को, बड़े पावर को इसमें जगह मिलनी चाहिए। एस जयशंकर IPSA ग्रुपिंग के मेंबर्स के अलावा क्वाड के भी मेंबर्स के साथ इनकी बैठक हुई, फिर साइडलाइन में बैठक हुई कई अन्य देशों के साथ, बायलैटरल टॉक्स हुए, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गए, बहरीन हो गए, जापान, UK जैसे देशों के साथ भी साइडलाइन में बैठकें हुई। आइए चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काउबल गली मुस्को वैली ओपन्स फॉर द टूरिस्ट। तो टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है काउबल गली मुस्को वैली को, ठीक है। ये नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है और ये गुरेज वैली के अंदर आता है, ठीक है। काउबल गली जो है ये गुरेज वैली का हाईएस्ट पास है, जो 4,166.9 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। काउबल गली ये मुस्को वैली को कनेक्ट करता है, मतलब इसके बीच रास्ता है जो 130 किलोमीटर दूर है, ठीक है। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस 130 किलोमीटर है। मुस्को वैली ये बहुत फेमस है, जो 1999 में ये कारगिल वॉर का पार्ट बना था। काउबल गली हमेशा यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा शेलिंग वगैरह की जाती है, बमबारी यहाँ पे होते रहती है, ठीक है।
ठीक है, गोली वोली चल जाती थी, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ा ठीक है और सिक्योरिटी को एनफोर्स कर लिया गया है यहाँ पे, मतलब काफ़ी इंश्योर कर लिया गया सिक्योरिटी को, तो अब इसे टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है, कोविंद लेड पैनल टू सीक व्यूज़ ऑन होल्डिंग साइमल्टेनियस पोल्स। वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे इंश्योर किया जाएगा इंडिया के अंदर, इसके लिए कमेटी बनी है जिसके हेड हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। ठीक है, अब कल सैटरडे को बैठक बैठी इस कमेटी की और उसमें कई चर्चाएं हुई कि हम कैसे इसको इंश्योर कर सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे हम इसको लागू कर सकते हैं, ठीक है, कैसे इसको प्रोविज़न किया जा सकता है। इसके लिए ये डिसीजंस लिए गए कि हम नेशनल पार्टी से और रीजनल पार्टी से भी हम कंसल्ट करेंगे, उनको भी बैठक में शामिल करेंगे और उनसे हम राय मांगेंगे कि हम इसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं। हर पार्टी से हम कंसल्ट करेंगे, चाहे वो नेशनल पार्टी हो चाहे रीजनल पार्टी हो, ठीक है। इस बैठक में कई लोग उपस्थित थे, जैसे रामनाथ कोविंद जो हेड हैं इस कमेटी के, फिर अमित शाह भी थे, अर्जुन राम मेघवाल थे, तो कई बड़े दिग्गज नेता इसमें शामिल थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तमिलनाडु केरला टू ज्वाइन हैंड्स टू काउंट एंडेंजर्ड नीलगिरी ताड़। तो एंडेंजर्ड नीलगिरी ताड़ का सेंसस होगा, ठीक है, और इसके लिए तमिलनाडु और केरला गवर्नमेंट साथ में मिलकर के काम करेंगी। नीलगिरी तार ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है इन वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती हैं, ये नीलगिरी तार पाई जाती है नीलगिरी और कन्याकुमारी के बीच के रीजन में, ठीक है, समझ गए। और ये नीलगिरी तार जो है ये ज़्यादातर माउंटेन ग्रासलैंड्स में माउंटेन ग्रासलैंड्स में ये चरना पसंद करती हैं, मतलब रहना पसंद करती हैं, माउंटेन ग्रास को ज़्यादा ये खाना प्रीफर करती हैं। और इसके सेंसस के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होगा और तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये प्रपोज किया है कि सेंसस, पहला सेंसस नवंबर में करेंगे, ठीक है, और दूसरा सेंसस मार्च में करेंगे नेक्स्ट ईयर। इसके लिए केरला तैयार हो गया है और इस पूरे एक्सरसाइज को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, ठीक है। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।